हल्द्वानी के नैनीताल जिले में मौसम पूर्वानुमान के रेड अलर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। वहीं अगले 24 घंटे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण नैनीताल जिले में 5 हाईवे और जिला मार्ग समेत 33 आंतरिक मार्ग बंद है। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में औसतन 99.01 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर बारिश नैनीताल स्नोव्यू क्षेत्र में दर्ज की गई। इसके अलावा हल्द्वानी में 118 मिलीमीटर और कोशिया कुटोली में 105 मिलीमीटर, जबकि धावी में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस समय गौला नदी में 12,409 क्यूसेक, कोसी नदी में 11,771 क्यूसेक और नंधौर नदी में 7,425 क्यूसेक पानी बह रहा है। प्रशासन लगातार आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।